How many of your friends are coming to coming to dinner tonight? अच्छा ये हाउ मेनी एक ही में रहता है टू नाइट हाउ मेनी को सेड ए टू बी ए और बी यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं। ए ने बी से कहा ए कोई आदमी है बी भी कोई आदमी है औरत मान लो तो ए ने बी से कहा क्या कहा कि हाउ मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स तुम्हारे कितने मित्र ठीक है आर कमिंग टू डिनर टू नाइट आदमी मान लो तो हो जाएगा ए आस्क्ड बी हो गया ये है डायरेक्ट स्पीच और ये है इनडायरेक्ट स्पीच ए आस्क्ड बी फिर उसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड है तो यही कंजक्शन बनेगा हो गया हाउ मेनी ऑफ योर कहाँ गया बी के पास योर क्या है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बी हो गया अब बी क्या मान रहे हैं आप बी को आप अब स्वतंत्र हैं पुरुष भी मान सकते हैं स्त्री भी मान सकते हैं यानी इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है यदि आप ही मानेंगे तो जहाँ जहाँ यू मिलेगा आप ही के अनुसार बदलेंगे और जब सी मानेंगे तो जहाँ जहाँ बदलेगा वो सी के अनुसार यानी स्त्री के अनुसार बदलेगा ये बात ध्यान देनी है ऐसा नहीं कि एक जगह ही एक जगह सी मान लें जब एक मानेंगे तो हमेशा वही रहेगा तो ए आस्क्ड बी हाउ मेनी ऑफ योर मान लो यहाँ ये मान लिया मैंने कोई आदमी है ठीक है तो योर गया बी के पास तो हो गया हीज फ्रेंड्स हाउ मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स आर का क्या हो जाएगा वर ठीक है कमिंग टू डिनर टू नाइट का दैट नाइट ए आस्क्ड बी हाउ मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स वर कमिंग टू डिनर दैट नाइट ठीक है